दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं INS विक्रमादित्य के बारे में, जिसे इंडियन नेवी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। इंडियन नेवी की आन बान और शान कहे जाने वाले INS विक्रमादित्य को अपने आप में ही एक पूरी सेना माना जाता है। उसे चलती फिरती आर्मी भी कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। भारत के इस 45,400 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर को 2008 से 2012 तक मैन्युफैक्चरिंग अपडेट के लिए रखा गया और उसके बाद 2014 के अंदर फाइनली इसे सर्विस में ले लिया गया था। अगर बात करें इसकी कॉस्ट की तो भारत ने इसके ऊपर $2.35 बिलियन लगाए हैं। INS विक्रमादित्य एक समय में 26 नेवी एयरक्राफ्ट और 10 हेलीकॉप्टर्स को एक साथ कैरी कर चल सकता है। INS विक्रमादित्य को इंडियन ओशन की सुरक्षा के लिए इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल किया गया था, जो कि ये बखूबी करता है। INS विक्रमादित्य हाईटेक हथियारों से व हाईटेक मिसाइलों से लैस है, जिसमें बराक 8 व बराक 1 भी शामिल है। और इन्हीं सब की बदौलत INS विक्रमादित्य इंडियन ओशन पर अपना पूरा दबदबा रखता है और चाइना जैसे देश तो इंडियन ओशन में कदम रखने से भी डरते हैं। इंडियन नेवी की शान बान और शान के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।